बाबा जी के मंदिर का ये 50वां वर्ष चल रहा था। जी इस 50वें वर्ष की खुशी में हम स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं, और उसमें हमने 8 दिन का कार्यक्रम रखा, 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, जो कि आज अंतिम दिन है, जिसकी धूणे की पूजा और ध्वजारोहण कर चुके हैं, रस्म पूरी कर चुके हैं। तो अब 10 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम होगा, पंकज शर्मा जी करेंगे, और उसके बाद 12 से 4 बजे तक अमरजीत शर्मा जी फकर पर बाबा बालकनाथ मंदिर के प्रधान जी हैं, वो आके अपने सदस्यों के साथ कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम जो है ये सारा साल किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। हाँ, वैसे तो हमारे हर वर्ष 2 जून को लेकर संडे तक कार्यक्रम होता है। अध्यक्ष महोदय, 2 जून का क्या विशेष महत्व है? ये ऐसा है कि जब हमने मूर्ति स्थापना की थी तब बाबा जी का जो सही महीने में जन्म हुआ था ना, वो त्रयोदशी में हुआ था। उस दिन वो त्रयोदशी ही थी 2 तारीख को, तो इसलिए हम 2 जून है बाबा जी का जन्मदिन के रूप में ये समारोह करते हैं। जो बाबा जी के चाले चलते हैं और इसमें क्या अंतर है दोनों में? दोनों में ये अंतर, ये बाबा जी का जन्मदिन है, चाले जो हैं वो बाबा जी के देवर स्थित में डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, वो वहाँ पे चलते हैं। वो 13 13, बाबा जी को वरदान। हाँ, वो जो मेन चीज है वो बाबा जी को मुख्य रूप से वरदान प्राप्त हुआ था विशेष रूप से। ये बाबा जी का दिन जो है 14 मार्च संक्रांति वाले दिन ये मेला शुरू होता है, जो कि 13 तारीख से 13 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलता है। लेकिन उसके बावजूद ये मेला कम से कम नहीं तो 1.5 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा चलता है। मेला इतना लगता है कि दुनिया करोड़ों रूप में भगत जी वहाँ पर पहुँचते हैं। प्रधान जी, यहाँ सेक्टर 29 में काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर भी हो चुका है ये। हाँ, लेकिन इसमें जो अभी 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो कार्यक्रम आयोजित किए, क्या क्या कार्यक्रम प्रतिदिन की क्या रूपरेखा रही? ये ऐसा है कि 2 तारीख को हम लोगों ने, एक तो सबसे पहले हमने संगत से प्रार्थना की थी कि हम बाबा जी का सोने का पत्रा चढ़ाएंगे, बाबा जी का सिंहासन, बाबा जी का छत्र सोने का होगा, उसमें विराजमान करेंगे। वो हम लोगों ने सबसे पहले, हमारा प्रथम कार्य था जो 2 जून को हुआ। हरी तरी को पूरी सेटिंग हो गई, सेटअप हो गया, सारी पत्रा लग गया, सब चीज़ रेडी, और हमने बाबा जी का 2 तारीख को जो जन्मदिन होता है उस उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम 2 तारीख से रखा, जो कुदरती 2 जून जो है वो रविवार को पड़ी, इसलिए हम 2 जून को सबसे पहले लेते हैं। वो दिन 6 हो जाए 7 हो जाए 4 हो जाए 5 दिन वो हम कार्यक्रम रखते हैं। तो ये हमने 2 तारीख से, एक तो सोने का पत्रा लगा जिसका उद्घाटन बाबा जी को सिंहासन रूप में बिठाकर सोने का छत्र लगाकर, उसी के साथ ही ये पर्दा हटाया गया और सारी संगत को उस चीज़ के दर्शन कराए गए, जो कि सबको इतना भाया कि सबको दिल को छू गया कि ये बाबा जी का हमें, हमारे इस जन्म में हमें देखने को मिला। और ये हमारा भी सौभाग्य है, संगत का सौभाग्य है कि अपने छोटे बच्चों के साथ उन्होंने दर्शन कराए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये कब हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन छोटे बच्चे जरूर कहेंगे कि ये हमने स्वर्ण जयंती समारोह कोटा सबरी देखी थी, अब आज हम डायमंड जुबली देख रहे हैं। तो ये वर्ष ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही मनाते चले जाएंगे, क्योंकि ये बाबा जी का बहुत ही एक तीर्थ स्थल बन चुका है, पूरा तीर्थ स्थल बन चुका है। दुनिया सिर्फ यहाँ से नहीं आती, ट्राई सिटी से आती हैं, पूरी मोहाली पंचकूला नया गांव, ये सारा एरिया जो है बाबा जी का श्रद्धालु हुआ, और बांध बांध से कितने मंदिर खुल गए, सब 2 तारीख को जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारा मंदिर है बाबा जी का, ये ऐतिहासिक मंदिर बन चुका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप जनमानस को क्या मैसेज देंगे मंदिर की तरफ से और अपनी तरफ से? हम तो यही सबसे बड़ा मैसेज देंगे जी कि अपने बच्चों को, हम लोग सनातनी हैं,
और बीइंग ए सनातनी होना हमारा परम सत्कार है कि एक सब तो हम अपनी अपनी मर्यादा के साथ यहाँ पर आए, क्योंकि आजकल जो मर्यादा चल रही है वो ठीक नहीं। एक तो अपनी मर्यादा को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे, बाबा जी के दर्शन करें और अपने बच्चों को संस्कार दें कि हम बाबा जी को मानते हैं, आप भी बाबा जी को आगे से मानो, उनको लाओ, उनको नतमस्तक कराओ, बाबा जी के बारे में बताओ। एक हमारा 3 जन्म का इतिहास है बाबा जी का, जो हम लोग ग्रंथ के रूप में छाप प्रिंट किया, लोगों को वचन करते हैं और वो बच्चों को समझाते हैं। और ये हमने खुद देखा है, आज का छोटे छोटे बच्चे बाबा जी के चरणों में किस तरह से आके नतमस्तक करते हैं, कैसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ये माँ बाप के दिए संस्कार हैं। जिन माँ बाप के दिए संस्कार हैं वो बच्चे खूब पनप रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। यही मैसेज है कि माँ बाप ने हमारी सेवा की है, अब बड़े होकर हम माँ बाप की सेवा करें, इससे बड़ा पुण्य बच्चों के लिए और कोई नहीं हो सकता। ये इससे ज़्यादा बड़ा मैसेज ये मानव जात के लिए है हमारे। प्रधान महोदय, आज 9 तारीख है, मोदी का भी आज शासन का, और साथ में आज ध्वजारोपण भी आपने किया है, नया बाबा जी का झंडा भी आपने, इसका दोनों के महत्व के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि हमारा तो बाबा जी का जन्मदिन है, वो 2 तारीख को रविवार था और 9 तारीख को भी रविवार है, और 9 तारीख हम ध्वजारोहण संडे को ही करते हैं, 2 तारीख को नहीं करते, क्योंकि ये हमारा संपन्न दिन है इस कार्यक्रम का। तो उस दिन हम ये जो 8 दिन हमारा हवन हुआ उसकी भी पूर्ण होती आज ही पड़ी है, और ये ध्वजारोहण भी आज ही पड़ा है। मोदी साहब जो हमारे नई सरकार भी आ रही है आज, तो ये हम चाहेंगे कि ये अब की बार ऐसा कार्यक्रम मोदी जी करें जिससे कि जो सारी पब्लिक है, जो सारी 140 करोड़ पब्लिक है, वो समझ ले अब मोदी जगह है, अब मोदी जगह है। सीटें नहीं पूरी आई लेकिन सबको साथ लेके चलेगा, एक उनके लिए बहुत बड़ा एक लेसन है, और जो कमियां उनकी रही हैं वो उसको ठीक करेंगे, और इन सब को साथ लेके जो दूसरी पार्टी हैं वो ये देख रही है कब ये कमज़ोर हो और हम आगे बढ़ें और हम जो प्रोग्राम करें। तो ये जो चीज़ें मोदी जी के रूप में एक बहुत बड़ा लेसन है, और इसको हाँ सारी संगत के लिए है, जितने इनकी पार्टी है ये सब के लिए है। तो हम तो दुआ करेंगे अब की बार बहुत बड़ा अच्छा काम करें, ताकि आगे 2047 का जो इन्होंने सोचा हुआ उद्देश्य लिया। आज आपके कार्यक्रम का भी समापन है। हाँ जी। आज क्या 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 आज अभी हमारा बेल पकौड़ा चाय का कार्यक्रम चल रहा है, अब 10 से 12 पंकज शर्मा जी और उनके सदस्य बाबा जी की गुणगान करेंगे, और उसके बाद 12 से लेकर 4 बजे तक अमरजीत शर्मा जी, उनके सारे सदस्य प्रधान हैं वो, बाबा बालकनाथ मंदिर फोकरपुर यमुनानगर से, तो वो लोग यहाँ पर महिलाओं के साथ वहाँ अपने मतलब जिस सारे रिश्तेदारों की महिलाएं जो वहाँ की हैं वहाँ की, वो सब 30-35 वो आ रही हैं, उनके मैग्नीशियंस और ये सब यहाँ पर आकर बाबा जी का गुणगान करने आ रहे हैं। ये हर साल आखिरी दिन इन्हीं का होता है, हर साल ये एक ऐसा मतलब है कि बाबा जी का कोई उनको आशीर्वाद मिल चुका है कि ये हर साल बाबा जी का जो आखिरी दिन है वो अमरजीत पार्टी सदस्य सारे मिलकर ये कर रहे हैं, एक यादगार दिवस है बाबा जी का। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा अपनी तरफ से एक विचार है, बाकी माना ना माना आपकी इसके ऊपर, अगर हम सनातनी सभी या मंदिर में आ रहे हैं, अगर सिर के ऊपर कपड़ा बांध के बाबा जी की पूजा करें, कि हमारे कहीं भी सनातन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई वर्णन किया हुआ है कि सिर पर ढक कर ये आप पूजा पाठ करें। कहीं भी चले जाओ, किसी भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल में चले जाओ, बिना सिर पर कपड़े बांधे हुए वो लोग पूजा पाठ करते हैं। तो वही प्रथा हमारी यहाँ पर चल रही है, बीइंग ए सनातनी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बाकी जिनका जैसा नियम है, सिखिज्म में
आप बिना कपड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो ऐसा ही वहाँ पे ऐसा ही चलता है, क्योंकि उनके जो धर्म में वो लिखा हुआ है वो माना जाता है। प्रधान जी, एक विचारणी ये भी हो सकता है कि आजकल झांकियाँ बड़े बड़े बच्चों की निकाली जाती, जबकि ये 10 साल के जो नीचे उन बच्चों की ही निकलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात में 100% आपके साथ 100% सहमत हूँ, क्योंकि बच्चों को एक लीला नजर आएगी उसका, राम के किसी की भी हम शोभा यात्रा निकलते हैं उसके बारे में उनको पता लगेगा कि भई हमारे बाबा जी क्या थे, क्या क्या लीला करते थे, वो सारी लीला वो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा। अगर वही बड़े आए, बड़ों को तो पता होता है, हम चाहते हैं कि बच्चों को जब भी ये शोभा यात्रा निकले छोटे बच्चे बच्चों को भगवान का रूप दिया, भगवान का तो बिल्कुल इस तरह से इनको बाबा जी बाल रूप है हमारे जी, ये भी वरदान बोले थे माँ गोरा जी ने दिए उनको, तो वो धरती में इस आए इस नियम से तीसरा जन्म लिया कि मैं कल युग में आए, जो कल युग आने वाला है इसमें मैं लोगों का कल्याण कर सकूं, इसलिए वहाँ पे मान सरोवर पे कैलाश पर्वत पे नहीं रुके, उनका आशीर्वाद लेके बाबा जी नीचे आए, जन्म लेके तीसरे में ये कल्याण हो रहा है और हो रहा है जी। और बाबा जी बड़े बड़े ऐसे भगत हैं जो इतने बूढ़ भगत हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, कि वो उनको बाबा जी साक्षात दर्शन भी देते हैं। भक्ति है, मन लगा के आप 3 से 5 बजे तक उनका आंखें बंद करके सिमरन करो, तो बाबा जी आपको एक न एक दिन जैसे पीली रोशनी होती है उस रूप में बाबा जी दर्शन देते हैं और दिए हैं बहुत चीज़ें इस मंदिर में, तो हमारे मंदिर में तो बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। ये तो शक्ति है, इतनी है कि कोई भी आ जाए अपनी अरदास के मन से दिल से रोम रोम कण कण से बाबा उसकी अरदास पूरी करता है, कभी आज की अरदास कल पूरी कर देता है, हफ्ते में पूरी करता है, महीने में कर देता है, लेकिन पूरी सबकी करता है और सबको अपना आशीर्वाद देता है कि रोड प्रसाद बाबा जी का। बाबा जी तो इतने सस्ते हैं, आप कोई भूल चुक भी हुई है कुछ नहीं करना, आपने 2 रोट चाहे फुलके बना के गुड़ रख कर बाबा जी को अर्पण कर दो, ये बाबा जी स्वीकार करते हैं। मुझे कोई देवी देवता दिखा दो जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं भोग के लगता, यहाँ पे सिर्फ 2 फुलके के ऊपर गुड़ रख दो बाबा स्वीकार करता है। तो हम भी बाबा जी का रोट कर डेली जो प्रतिदिन आरती के बाद बाबा जी का भोग लगाते हैं जो संगत के बीच में बांटा जाता है। प्रधान जी, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया, और आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए और इसी तरह से आगे भी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवारों में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे बेटियों का ब्याह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, जिनके अपना कोई घर नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है। ये मैं अपने सारी सभा की ओर से प्रार्थना करता हूँ बाबा जी को कि बाबा जी जिनके ब्याह नहीं हो रहे उनके ब्याह कर दो, जिनकी नौकरियाँ नहीं लग रही नौकरियाँ लगवा दो, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिला दो। हमारे यहाँ जितने सेवादार हैं सुबह उनको चाय दी जाती है आरती के बाद, और उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट दिया जाता है, दोपहर को 12 बजे भोग लगने के बाद लंगर दिया जाता है, और दोपहर को चाय, सुबह फिर 11 बजे चाय, ये रात को बाबा जी का भोग लगता है दूध का, उसकी चाय दी जाती है, रात को लंगर सबको दिया जाता है। बाकी हमारे जो यात्री यहाँ विशेष एतवार को आपका क्या रहता है, ज्येष्ठ एतवार या विशेष एतवार को कुछ करते हैं आप? हाँ, ये हमारा हर संडे को सुबह ब्रेड पकौड़े का चाय लगता है, कोई भगतजन देता है, नहीं देता के मंदिर की तरफ से, वो भी भक्तों का दिया पैसा है, और जो दोपहर को 10 से 1 बजे कीर्तन होता है, भोग लगता है, वो लंगर भी लगता है हर रविवार को लगता है, और भोग लगने के बाद संगत में हर मतलब रविवार को जो भोग लंगर बनता है उसका मीनू बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि इस संडे को कड़ी बनाए फिर कड़ी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर संडे को मीनू हमारा एक सब्जी होती है, एक हमारी दाल हो गई, चने हो गए, राजमा हो गए, कुछ भी हो गया ये होता है, एक मीठा होता है, चावल होते हैं, चपाती होती है,
ये सब हम संतों को उस दिन सेवा करते हैं। और इसमें कोई भी आ जाए, कोई मतभेद नहीं है। यहाँ एक लाइन में भिखारी से लेके लाखों करोड़ों रुपए वाला एक लाइन में बैठ के लंगर करता है। उस जो दोपहर का लंगर होता है, जो लंगर कोई देता है वो पूजा कंजकों की करने के बाद लंगर वितरण होता है। जो नहीं है हमारे परिवार में से, ये हमारा परिवार है, जो सभा हमारा एक परिवार है, ये इनमें से कोई एक भगत उठते हैं। तो जी, आपकी संस्था का पूरा नाम क्या, कितने पदाधिकारी हैं आप लोग? ये सिद्ध बाबा बालकनाथ सेवा मंडल नाम है। ये हम 12 पदाधिकारी हैं, जिसमें से 9 गवर्निंग बॉडी हैं और बाकी 3 जो हैं हमारे मेंबर हैं। और बट मैं एक जो बात कहूँगा, ये एक परिवार जो है ना, एक यूनिट होके काम कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इतनी है, कोई हमसे भी गलती हो जाए ना तो हमारे मेंबर हमसे पूछ सकते हैं, भाई ये चीज़ ऐसे कही गई थी, ये ऐसे क्यों आपने किया, तो उसका जवाब देनदारी हम की होती है, जनरल सेक्रेटरी की, मेरी और हमारे कैशियर साहब बैठे हैं, इनकी जिम्मेवारी होती है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं, हमारा ट्रांसपेरेंट है इस समय। और आपको एक और खुशी की बात बताता हूँ कि 2 तारीख को एक सज्जन आए हैं, वो अपने साइन करके पैसे लिख के 5 लाख का चेक देंगे। और कल सुबह वो आए, आकर 1.5 लाख का चेक दिया और उसके साथ ही एक और चेक 7 लाख का दे के गए। और एक मैसेज मुझे उनका और आया है कि अंकल आपको मैंने 2 लाख और देने हैं। मतलब आज वो आएंगे, उनका लंगर भी है आज और सेवा करते हैं। उन्होंने एक ही बात कही कि मेरी माँ ने कहा था इस हाथ से दो, लेकिन इस हाथ को नहीं पता होना चाहिए, इसलिए कहते मेरा नाम कहीं भी नहीं सबको बताना, बस ये सेवा है, बस मेरी मन की भावना है, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं धार्मिक विचार वाला हूँ, मेरी माँ धार्मिक है, तो मैं इसमें सेवा कर रहा हूँ। तो ये हमारा बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बाबा जी ने अपने स्वर्ण जयंती में एक इतिहास रच दिया, जो आज तक इतनी अमाउंट हमारे मंदिर में कभी नहीं आई, जो एक बाबा जी ने अपने स्वर्ण जयंती में एक बच्चे को भेज दिया कि जाओ मंदिर जाओ ये काम करके आओ। तो ये मैं कहता हूँ, वो सारा परिवार खूब खुशियों में रहे, खूब खुशियों की बरसात उनके परिवार में रहे, सुख शांति और सेहत तंदुरुस्ती बख्शे, ये दिल से हम कामना करते हैं। और ये हम वन यूनिट थे, वन यूनिट हैं, जब तक जिंदगी है ये वन यूनिट बनकर काम करेंगे। जो भी अच्छी है, बड़े बड़े हम सारे काम करते हैं, किसी को गरीब की शादी है, किसी गरीब को दवाई चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर लिख के देता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। मैं कहूँ कि मैं अकेला ये कर सकता हूँ, ये तो बहुत असंभव सी बात होती है। ये हमारा जो सभा है ये मिलके चला, और जैसे जैसे एडवाइस मिलती गई हम उस काम को हम समझ पोस्ट कर लो, ये मुझे मेरे दिमाग में आया कि ये करना है, सभा में मैं मीटिंग में रखता हूँ। सभा अगर कहती है हाँ ये नहीं, इसमें थोड़ी सी मनमन ऐसे करके कर लो, तो हम लोग वो उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ये बात आपकी ठीक है, जब से हमारी सभा आई है तब से लेकर आज तक, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जो जितनी भगत जन आते हैं, जो आके देख रहे हैं, वो ये जो कहते हैं कि जब से आप आए हो ये आपकी सभा आई है, इन्होंने कमाल कर दिया, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था जो अब देखने को मिल रहा है। और इतना बड़ा जो 8 दिन का आप स्वर्ण जयंती मना रहे हो, ये एक अद्भुत है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, देवर से में भी इस मंदिर का बहुत नाम चलता है, कोई भी आए किसी ने ठहरना हो, वो अफसर भी आते हैं वो यहाँ के ठहरते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम संगत का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हमें पैसे आते हैं उसको हम सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं। इसीलिए संगत हमारे यहाँ दिन रात चौगुनी आती है। वो क्यों आती है कि इनको पता है कि हमारा दिया पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, और हम क्यों ना और बढ़ के मंदिर की सेवा करें, ताकि और अच्छा काम सभा करें। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। टिल टुडे
एंड मैं प्रार्थना करूंगा बाबा जी को, जब तक हमारी ज़िंदगी है, आने वाली जनरेशन है, ये खूब आगे बढ़े और बाबा जी का नाम और रोशन करें। हम बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोई हमें कहता है कि ये मेरी अरदास लगा दो, सारी संगत मिलकर हाथ जोड़कर बाबा जी के चरणों में अरदास लगाई जाती है भक्तों की, और बाबा पूरी करता है कि पुत वाले ने पुत दिता है, ती वाले ने ती दिती है, मुंडे कुड़ियों का ब्याह किया हैगा, ये सब बाबा जी करते हैं। जो बीमार अस्पताल में पड़ा हुआ है उसकी अरदास होती है, बाबा उनको ठीक करके घर वापस भेजता है। ये एक बहुत बड़ा हमारे बाबा जी के मंदिर में ये तीर्थ स्थल है सर। इस जगह पे बाबा जी घूमा करते थे। हमें जो जब हमें ये ज़मीन मिली थी तब एक बूढ़ी मैया ने कहा था हमारे प्रधान जी को, तो मैं तो उस समय साथ में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई एक बुढ़िया हमारे पास आई, कहते यहाँ क्या कर रहे हो, कहते ये हमें मंदिर की जगह मिली है बाबा बालकनाथ जी का, वो कहते कौन है बाबा जी, कहते छोटे से बाल रूप में है, कहते यहाँ पे एक बालक लंगोट पहनकर सुनहरी बांबरिया वाला झोली चिमटा साथ में लेकर वो यहाँ घूमा करता था। इसलिए बाबा इसलिए ज़्यादा ये जगह सिद्ध हो रही है, ऐतिहासिक हो रही है कि बाबा जी हर बंदे की पुकार सुनते हैं, चाहे कोई भी आ जाए, गरीब से करोड़पति आए, सबको मुश्किल आती है तो बाबा पूरी करता है। ये सब मेरे भाई संगत अचीवमेंट। हाँ, और दूसरी एक और बात जो हमने हमारे अचीवमेंट है कि हमने गोमांडा में अप्लाई किया था मंदिर बनाने के लिए दो कनाल का प्लाट, वो हमें अलाट हो गया है, वो होशियारपुर पिंड है, वहाँ पे हमें दो कनाल की जगह मिल चुकी है, न्यू चंडीगढ़। तो हमने ये प्रार्थना की है उनको कि भी हमें कोई अच्छी जगह दे दो ताकि हम वहाँ पे अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें, जैसे मिलेगा आपको पूर्णतः हमको आपको बताया जाएगा, आप वहाँ पर आओ और बाबा जी का मंदिर के लिए जगह मिली, मंदिर के लिए जगह मंदिर आपके द्वारा ही ये मांग की। हाँ जी, हाँ जी, ये जो हमने प्रार्थना की थी इसमें भी हमारे एक अनंत जी हैं हमारे जनरल बॉडी के मेंबर, उनका हमें वो अखबार में व्हाट्सअप आया, वो उन्होंने हमें दिया, तो हमने फिर सभा ने फिर मीटिंग में सलाह की, वो कहते हैं कि अप्लाई करो, तो हमने इमीडिएटली अप्लाई किया। फिर जो उन्होंने दो तीन दफ़ा हमें बुलाया तो उसमें हमारे बाबा जी का प्लाट जो दो कनाल का उन्होंने दिया, और पृथ्वी की धरती की जब पूजा करेंगे, झंडा लगाएंगे, नाम बाबा जी का बोर्ड लगाएंगे, तो उसमें कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, आपको सबको हम बुलाएंगे।